हम कर क्या रहे हैं, हम जो शेप वाली एग्जांपल है इसको मॉडिफाई कर रहे हैं एनिमल क्लास के लिहाज से, एनिमल क्लास हायरार्की देखने के लिहाज से। स्क्रीन स्क्रीन यार इधर स्क्रीन शेयर स्क्रीन नहीं हो विजिबल रहा। नहीं है सर, शेयर स्क्रीन हो गई। हमने क्लास बनाई है एक एनिमल, और उसमें जो प्रोटेक्टेड मेंबर है हमने वो रखे नंबर ऑफ लेग्स और एज। ये प्रोटेक्टेड इसलिए रखे कि इसके चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर सके। दो मेंबर हमने बनाए, स्पीक, और स्पीक के अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया, वॉइड वॉइड है। और इसी तरह से दूसरा हमने बनाया वॉक, ठीक है। दूसरा हमने मेंबर बनाया क्या, वॉक। चलिए वॉक यानी बनाते, सिर्फ स्पीक बनाया, ठीक है। स्पीक से क्या मतलब है? मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्पीक लखनऊ में है। देखिए हमने कह रहे हैं कि एनिमल कुछ भी स्पीक करेगा ना, कोई भी आवाज निकालेगा ना, तो इसमें हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो स्पीक मेथड है वो हमने बनाया, और उसमें हमने कहा स्पीक कुछ भी आवाज निकालेगा। अभी हमने इसकी डेफिनेशन ही नहीं, सिर्फ इसको प्रोटोटाइप दिया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी दूं, चले मैं इसको डेफिनेशन भी देता रहा हूँ आपको, यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्पीक में मैंने बोला कि ये क्या करेगा, सी आउट, मेक सम साउंड, ठीक है, मेक सम साउंड। कोई भी जानवर कोई तो आवाज निकालेगा ना, कोई ना कोई आवाज, ठीक है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, पैरट हो, स्पैरो हो, तो कोई ना कोई आवाज निकालेगा। तो हमने कहा सी आउट मेक सम साउंड। तो एनिमल जनरल क्लास में हमने कहा नंबर ऑफ लैग्स होंगे, एज होगी, और एक मेथड बना दिया। अब ये प्रोटोटाइप नहीं रहा, इन लाइन फंक्शन हमने बना दिया। अब दूसरी जो हमने ड्राइव क्लास बनाई, उस ड्राइव क्लास को हमने यहाँ कहा कैट। अभी कैट क्लास है जो कि इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टी किसकी, आपकी एनिमल की, एनिमल की सब क्लास है कैट। और इस कैट क्लास के अंदर बाकी सब तो होगा, मतलब मैं अगर ये सब कुछ हटा दूं, देखिएगा पहले आप समझे कंसेप्ट को, मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से समझा रहा हूँ। मैंने को सब कुछ हटा दिया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पब्लिक रहने दें इसको। दूसरी क्लास बनाई हमने डॉग, अब मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ डॉग, योजी डॉग, और वो सब क्लास है किसकी, एनिमल की, और इसमें भी कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक है, नथिंग इज देयर। और ये फंक्शन जो उस वाले थे दूसरी प्रीवियस क्लास वाले में, हम इनको सबको डिलीट कर देते हैं, तमाम फंक्शंस को हमने डिलीट कर दिया। यहाँ हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को भी डिलीट कर देंगे। सो व्हाट वी हैव जस्ट एनिमल क्लास, जिसमें प्रोटेक्टेड मेंबर है नंबर ऑफ लेग्स, एज, पब्लिक मेथड है स्पीक, और उसके बाद एक कैट क्लास बनाई है जो कि पब्लिक एनिमल को एक्सटेंड कर रही है, और दूसरी डॉग क्लास बनाई है जो कि पब्लिक एनिमल को एक्सटेंड कर रही है। अब आप नोट कीजिएगा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, एनिमल, ए, कैट, सी, डॉग, डी, ये तीन ऑब्जेक्ट बन गई। अब आप नोट करें, देखिएगा मैं जब ए का मेथड कॉल कराऊंगा, ए डॉट स्पीक, क्या प्रिंट करेगा ये, बटन विल प्रिंट, स्पीक का एस कैपिटल है, एस कैपिटल रखा था, इसको स्मॉल कर दें या उसको जी, क्या आया, मेक सम साउंड। अब आप नोट करें, अगर मैं यहां पे ए की बजाय डी लिख दूं, डी डॉट स्पीक, तो क्या होगा, मेक सम साउंड। अगर सी डॉट स्पीक लिखूंगा तो भी वो क्या करेगा, मेक सम साउंड। बात समझ में आई,
स्टूडेंट्स रिपीट कर। देखिए बेटा मैंने तीन क्लासेस बनाई ए सी डी। अब मैं अगर ए का स्पीक मेथड कॉल करूंगा वो भी यही कह रहा है मेक सम साउंड, बी का सी का करूं कैट की ऑब्जेक्ट के साथ अगर मेथड कॉल करूं स्पीक वो भी कहेगा मेक सम साउंड, और अगर डी डॉग के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगा तो वो भी यही कहेगा स्पीक सम साउंड। वजह ये है ये देखें हमने जो मेथड बनाया है ना वो किस में बनाया है, वो बनाया है एनिमल में स्पीक वाला, तो वो स्पीक मेक सम साउंड कर रहा है। लेकिन ये मेथड हमने जब कैट को एक्सटेंड किया यानी कैट को सब क्लास बनाया एनिमल का तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कैट में भी आ गया। जब डॉग को सब क्लास बनाया एनिमल का तो ये मेथड ऑटोमेटिकली डॉग में भी आ गया। ठीक है, अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ आप लोगों के लिए और वो क्लास है क्लास पैरेट। पैरेट अब ये क्लास मैंने बनाई, इस क्लास में देखें कोई मैंने एक्सटेंड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे जाके एक मेथड एक ऑब्जेक्ट बनाऊं पैरेट की पी ए डबल आर ओ टी पैरेट पी और मेथड कॉल कराऊं पी का पी डॉट स्पीक रन करूंगा तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों? जी एक कॉलन नहीं दी सर पी के पास जो कॉलन वाला तो ठीक है कॉलन डॉट आ दिया ये हो गया क्या। अब सर पैरेट आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें कॉलन नहीं दिया क्यों? ऑब्जेक्ट जो बनाया उसमें कॉलन दिया वो भी देखकर लगा देते हैं तब अब भी एरर आ रहा है। वो एरर क्या है, क्लास पैरेट हैज नो मेंबर नेम स्पीक, कह रहा है ये नेम जो आप स्पीक मेथड कॉल कर रहे हैं ये तो पैरेट में मौजूद ही नहीं है, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। बात समझ में आई है? यस सर। अगर मैं इसके साथ कॉलन लगा के इसको बोल दूं पब्लिक एनिमल है भाई, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि ये जो पैरेट है ना ये भी एनिमल है। जैसे ही मैं उसको बोलूंगा ये एनिमल है तो वो क्या करेगा, मेक सम साउंड करना शुरू कर देगा, क्योंकि पैरेट में भी वही करैक्टरिस्टिक्स आ गई जो एनिमल में करैक्टरिस्टिक्स थी, जो खसूसियात थी। गॉट इट? यस सर। क्लियर हो गया? देखिए कुछ भी नहीं है क्लास में, कोई क्लास में कोई मेथड नहीं है पैरेट के अंदर, लेकिन वो किसके मेथड को कॉल कर रहा है, अपने पेरेंट के मेथड को कॉल कर रहा है। पेरेंट इज कॉलिंग द मेथड ऑफ एनिमल। क्लियर हो गया सर? जो एरर आ रही है 33 लाइंस पे ये कौन सी एरर नहीं है, वार्निंग है। वो कहता है आपने वेरिएबल बनाया लेकिन बनाया है लेकिन इसको यूज नहीं कर रहे, अनयूज्ड वेरिएबल, ये एरर नहीं है वार्निंग है। वो कह रहा है आपने कैट बनाई लेकिन कैट को आपने यूज ही नहीं, फिर बनाई क्यों? अगर डॉग को यूज ही नहीं कर रहे तो बनाई क्यों है, एनिमल को यूज ही नहीं कर रहे तो बनाई क्यों है। क्लियर है? Got it? अच्छा अब आ जाएं हम कैट के अंदर, हम कैट के अंदर आते हैं और हम कहते हैं जी कैट के अंदर जो मेथड है void speak इस मेथड को हम कर रहे हैं override, और वो override क्या है, इस मेथड में हम बोल रहे हैं कि जो कैट की साउंड है ना वो चेंज कर देती है। हमने कहा सी आउट, कैट कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, कैसे लिखते हैं भाई, समझ लो यही है म्याऊ म्याऊ। ठीक है, हमने कहा कैट क्या बनाती है, म्याऊ म्याऊ। ये हमने मेथड स्पीक का कैट के अंदर बना दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो स्पीक मेथड था पी डॉट पैरेट वाला इसको हम सी डॉट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा बताएं? म्याऊ 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 हो गया। मतलब ये हुआ कि ये अब मेथड कॉल होगा इसका कैट का, क्योंकि कैट ने अपना मेथड बता दिया कि कैट जो है ना वो मेक सम साउंड नहीं करती बल्कि म्याऊ म्याऊ करती है। इसी तरह से अगर मैं डॉग आउट साउंड ऑफ कैट, ठीक है, साउंड ऑफ
साउंड ऑफ कैट एंड डॉग। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं पैरट के साथ लगाऊं, पैरट का स्पीक मेथड, एनिमल का लगाते चले, अगर मैं पैरट डॉग का लगाऊं तो कहूंगा डी डॉट स्पीक। चलें जी, डी डॉट स्पीक क्या करेगा? कैट कैट कट कट में डॉग करते हैं इसको, डी ओ जी डॉग डॉग जी। साउंड ऑफ डॉग क्या है? मेक सम साउंड, ठीक है, मेक सम साउंड। और डॉग की साउंड ऑफ के बाद हैंडल लगा देते हैं यहाँ पे, सी आउट, ताकि क्लियर हो आपको। जी सो नोट करें, साउंड ऑफ डॉग क्या है? मेक सम साउंड। और साउंड ऑफ कैट क्या है? म्याऊ म्याऊ। क्लियर क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जी सर। इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। ये क्या कहलाता है? ओवरराइडिंग। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये स्पीक का मेथड जो है अगर कैट से हटा देता हूँ तो फिर वो अपने जो पेरेंट का मेथड है ना उसको कॉल करती है, लेकिन अगर मैं इसका मेथड अलग से दे देता हूँ, कहता हूँ पिछले वाले मेथड को भूल जाओ, अब तुम्हारा मेथड ये है, तो फिर अब ये क्या करेगी? अब देखिए कैट की साउंड चेंज हो गई, कैट ने क्या करना शुरू कर दिया? अगेन मेक सम साउंड। लेकिन अगर मैं इस मेथड को यहाँ ओवरराइड कर देता हूँ, उसका मतलब ये हुआ जो आपका स्पीक का मेथड पेरेंट में था, पेरेंट कौन है? एनिमल। उसको चाइल्ड का मेथड जो है, जो कैट चाइल्ड है एनिमल की, उसके अंदर जो स्पीक का मेथड है वो ओवरराइड कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरराइड, ठीक है। हाँ जी, क्या कर रहा है? कौन बताएगा? ये बताएगा शाहिद, शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन क्या हो रहा है ये? जी सर, क्या हो रहा है? क्या किया हमने ये? सर कुछ पता नहीं चल रहा सर। आप क्लास में ध्यान रखेंगे तो कुछ पता चलेगा, मैं तो बिल्कुल सिंपल लेवल पे आपको बता रहा हूँ। सर मैंने पिछली कुछ क्लासेस नहीं ली, वो फैमिली में डेथ हो गई थी, इसलिए सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही सर। शोएब अली आप बताएं। शोएब अली इज देयर? नो, शोएब अली भी नहीं है यहाँ पे मौजूद, ठीक है। चलें जी, अली गुलाम अली गुलाम नो रेस्पॉन्स। आकिब अली? यस सर। हाँ बताएं क्या हुआ? जी सर, ओवरराइडिंग हुआ है, यानी पिछली फंक्शनलिटी को उसने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से एक्टिवेट कर दूं तो आपकी साउंड दोबारा से म्याऊ म्याऊ चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आप देखें यहां पर नंबर ऑफ लेग्स है, लेग्स हैं। अब नंबर ऑफ लेग्स जो है वो आपको पता है कि आपकी जो कैट होती है उसमें तो नंबर ऑफ लेग्स होते हैं, वो सेम एट्रीब्यूट आ जाएगा। डॉग जो है उसमें भी नंबर ऑफ लेग्स होते हैं। पैरेट में नंबर ऑफ लेग्स के अलावा एक और चीज भी होती है क्या? फीदर्स।
हाँ जी, नंबर ऑफ फीदर्स सर, विंग्स, विंग्स कह लें, नंबर ऑफ विंग्स कह लें, फीदर कह लें, जो भी आपको समझ, चले विंग्स कह लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ विंग्स कर दिया हमने, चले। अब ये एडिशनल चीज थी जो पैरेट में है और बाकी चीजों में, डॉग में और कैट में नहीं है, तो ये हम इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो जब हम पैरेट की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पर हमें क्या देना होगा, पब्लिक विंग्स देनी होगी। तो अगर हम मेन फंक्शन में जाएं तो यहाँ पे तो हम कर सकते हैं कि जी सी डॉट नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू व्हाट, 4, ठीक है। अब पैरेंट का क्या करना होगा, हमें पी डॉट नंबर ऑफ, अच्छा स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, क्या नंबर ऑफ लेग का क्या लिखा था हमने, स्पेलिंग नंबर ऑफ लेग, एन कैपिटल है, एन स्मॉल होना चाहिए कैमल नोटेशन में, पहला वर्ड स्मॉल है, फिर दरमियान में जो वर्ड आएंगे उनका पहला करेक्टर कैपिटल होगा। तो ये कन्वेंशन याद रखेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे। तो यहाँ पर पैरेट के अंदर नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू 2, और इसी तरह पी डॉट नंबर ऑफ विंग्स किया है, विंग किया है हमने, नो विंग किया है हमने, तो यहाँ आप नो विंग्स इज इक्वल टू 2। तो आप अपने पैरेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें एक एडिशनल चीज है, जबकि कैट में सिर्फ एक ही चीज है, नंबर ऑफ लेग्स। जब आप साउंड प्रिंट करवाएं तो उसके साथ आप कह सकते हैं सी आउट, ये जैसे हमने किया था कैट, कैट की साउंड करना है तो हमने कहा सी आउट लेग्स इन कैट, और यहां पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेग्स नंबर ऑफ लेग्स में क्या करेंगे, प्रिंट करवाना है हमें, तो किसकी करवानी है, नंबर ऑफ लेग्स है ये सी की, तो सी डॉट नंबर ऑफ लेग्स करवाएं, ठीक है, सी डॉट नंबर ऑफ लेग्स, कॉलन लगा दें। जी क्या किया है, मेन में क्लास कैट हैज नो नेम नंबर ऑफ लेग्स, टाइपो मिस्टेक की हमने, नंबर ऑफ लेग्स NUMBER या नंबर ऑफ लेग्स, और यहाँ नंबर ऑफ लेग्स, अच्छा अच्छा ब्लॉट, देखिए ये जो है ना आपका प्रोटेक्टेड होने की वजह से वो कह रहा है कि ये तो है ही नहीं कैट के अंदर, तो ये कैट के अंदर क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं करने दे रहा, आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। हाँ, विद इन द क्लास अगर हम एक्सेस करें वो पॉसिबल है सेटर गेटर के जरिए, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होना प्रोटेक्टेड है, इस वजह से ये प्रॉब्लम करेगा, पर आप इसको पब्लिक कर देंगे तो वो वाला एरर खत्म हो गया। कैट क्लास हैज नो मेंबर नेम नंबर ऑफ लेग्स, अभी क्यों आ रहा है ये सर, नो विंग्स का एन कैपिटल आएगा, नहीं ये हमने जब डिक्लेयर किया तो नंबर ऑफ लेग्स में एन स्मॉल है, वहां हमने नंबर ऑफ लेग्स सी नंबर ऑफ, अच्छा एल कैपिटल आएगा, सही सही, गुड, नंबर ऑफ लेग्स
एल कैपिटल हो गया। पैरेट के नॉट हैज मोर देन नो नंबर नंबर ऑफ विंग्स। अब इसमें भी नंबर ऑफ विंग्स पैरेट की हमने सर नो विंग्स का इसका भी एन एन कैपिटल होगा ना, एन कैपिटल है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जब एरर करेंगे ना तो आप एरर करते करते आपको समझ में आने लग जाएगा कि कन्वेंशन कैसे फॉलो करें। अब यानी एन कैपिटल किया है नो, ये गलत किया, बजाय यहाँ स्मॉल होना चाहिए और यहाँ जो है चेंज कर दूं मैं, क्योंकि मैंने बताया था कैमल नोटेशन क्या होता है, पहला करेक्टर पहले वर्ड का स्मॉल ही होता है, तो वहाँ चेंज कर दें आप, यहाँ डिफाइन कर। अब सही हो गया, ठीक है। ये फोर आ गया, लेग्स कितनी है, फोर है कैट के अंदर। पैरेंट की हमने प्रिंट करवाई नहीं, पैरेंट की करवाएं तो हम वहाँ पे करा सकते हैं, तो हमने सिर्फ कैट की प्रिंट करवाई थी और ये आ गई फोर। उसके बाद स्पीक मेथड है और यहाँ हम ये कर सकते हैं एंडर लगा दें, ताकि एंडर लगा दें। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें करते हैं पैरेट के लिए। साउंड ऑफ पैरेट, ठीक है। नंबर ऑफ लेग्स ऑफ पैरेट, अच्छा यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पी कर देंगे। और स्पीक का मैथड, अच्छा स्पीक का मैथड आप देखें, जब हम करेंगे तो उसे मेक सम साउंड करेगा। क्या कर रहा है पैरेट, पैरेट की बजाय हमने क्या कर दिया, सी डॉट स्पीक किया है, तो वो कह रहा है म्याऊ म्याऊ, गलत हो गया। क्या करेंगे यहाँ पर, पी डॉट स्पीक। अब पी डॉट स्पीक करेंगे तो मेक सम साउंड करेगा, क्योंकि हमने पैरेट का कोई अलग से साउंड डिफाइन नहीं किया। क्या होगा साउंड क्या बनाए, अगर हम पैरेंट का अलग से साउंड बनाना चाहें तो क्या करेंगे, स्पीक का मेथड डिफाइन कर देंगे पैरेंट की क्लास में, तो वो मेक सम साउंड को क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, जैसे कैट ने किया था। सो हम पैरेंट की क्लास में यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर में एक फंक्शन बनाते हैं, क्या क्या साउंड होता है, क्या बोलेंगे, टैंट है, पता नहीं क्या बोलता था, तोते के बाद किसको आती है भाई, चले लेट्स सपोज हमने ये लिखी है। अब आप अगर रन करके देखें, देखें तोते की आवाज चेंज हो गई, टें टें होंगे, बजाय कि म्याऊ म्याऊ होंगे, लेकिन साउंड ऑफ डॉग मेक सम साउंड, साउंड ऑफ कैट वो म्याऊ म्याऊ आ गया नीचे, क्योंकि लेग हमने ऊपर प्रिंट करवा दिए, उसको लेग्स को नीचे प्रिंट करवाते हैं, साउंड बाद में करते, पहले साउंड करवाते हैं, पहले नंबर ऑफ लेग्स है फिर उसकी साउंड है, इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कैट के बारे में चीजें, और ये हो गई पैरेट के बारे में, ये हमने कैट का कर दिया अलग और पैरेट का कर दिया अलग। और अब डॉग को देखते हैं, डॉग देखें साउंड क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम लगाएं तो सी आउट करके सेपरेटर लगा सकते हैं, आउटपुट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें ऑप्शनल हैं आपके लिए, ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। हैंडल ज़रूर लगाएं इसमें, ताकि लाइन नहीं चाहे जो है सी आउट शुरू में और आखिर में लगा लें दोनों तरफ। आप यहाँ करें एंडर और यहाँ भी करें एंडर, ताकि आउटपुट को ब्यूटीफाई कर सके। चलिए देखें साउंड आउट ऑफ मेक सम साउंड, साउंड ऑफ कैट म्याऊ म्याऊ और नंबर ऑफ लेग हमने बता दिए फोर है, साउंड ऑफ पैरेट टैट है वो नीचे दे दिया और नंबर ऑफ लेग इसकी टू है। अब स्पीक के मैथड को ऊपर ले आए, साउंड इसलिए आ गया,
नंबर ऑफ लैग ऑफ पैरेट दे दिए, और इसी तरह से हम नंबर ऑफ फीडर अगर दे इसके अलग से स्पेसिफाई कर सके। नंबर ऑफ विंग्स, विंग्स द विंग्स ऑफ पैरेट आर, तो यहां दे देंगे एन ओ विंग्स। ये देखिए साउंड ऑफ पैरेट एंड लेग ऑफ पैरेट आर टू, विंग्स ऑफ पैरेट आर टू। साउंड ऑफ कैट म्याओ म्याओ हो गई और लेग ऑफ कैट आर फोर। इसी तरह डॉग की मेक सम साउंड है, क्योंकि डॉग के फंक्शन को हमने ओवरराइड। यहां तक क्लियर है सर? जी सर, अगर म्याओ म्याओ के बाद जो द लेग्स ऑफ कैट आर फोर, ये अगर मैं न्यू लाइन पे लिखना चाहे तो हैंडल लगा लें। कहाँ लगाएंगे हैंडल? जहाँ आपका स्पीक है ना मेथड, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद हैंडल। ये कैट है ना, क्या कैट का स्पीक मेथड है, इधर हैंडल करते हैं, इधर भी कर सकते हैं हैंडल। ये ले, ये हो गया, अब सही है जी सर। इसी तरह पैरेट के भी लगा लें आप, ये भी और ब्यूटीफाई हो जाएगा। यहाँ लगा लें हैंडल, गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। चलें जी, अब इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम एक VPL की दूसरी लैब बनाते हैं, आपको शेयर करके बनाता हूँ। और इसमें आपने सर एनिमल और बनाने हैं, और उसके आपने फंक्शन डिफाइन करने हैं, और उसकी जो आप उसके बारे में डिफाइन करना चाहें करिएगा। ठीक है जी, बोले सर। मैं ये पूछ रहा था, जहाँ पे आपने पब्लिक लिखा था, अगर यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कि हमारे जो प्रोग्राम पे? जो जैसे हम नंबर ऑफ लैग मैन के अंदर दे रहे हैं ना, वो वहां नहीं दे सकेंगे, फिर सेट और गेटर फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ आपकी कोर्सेज के अंदर जो वीक 13 है, इसके अंदर जैसे इनहेरिटेंस का मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसी तरह से मैं एक और आपके लिए VPL बना रहा हूं। इनहेरिटेंस ठीक है, इनहेरिटेंस और इसके साथ में लगाता हूँ ओवरराइडिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट कवर किया हमने? इनहेरिटेंस के साथ ओवरराइडिंग। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिखा यूज फॉलोइंग कोड स्निपेट, ठीक है, आसानी कर लेते हैं आपके लिए, कुछ कोड में शेयर कर लेता हूँ। एंड मेक थ्री सब classes of animal, ठीक है, तीन और एनिमल बनाने हैं आपने। मैंने जैसे कैट डॉग बना दिया, इस तरह से तीन और एनिमल बनाए, उसकी जो प्रॉपर्टी और फंक्शन चेंज हो वो चेंज करें। एनिमल विथ ओवरराइडेड Right, overrides of function and add extra data members differentiate एनिमल्स, ठीक है। ये
डिफरेंशिएट क्लासेस ऑफ एनिमल। ठीक हो गया, आपकी एग्जांपल के लिए हेल्प के लिए मैंने ये कोड आपको हेल्प के लिए दे दिया कि आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी फॉर द हेल्प। गॉट इट, क्लियर हो गया? इसको देखें, सबमिशन में कर देता हूँ। जी सर, फर्स्ट जून की जो आपकी, जैसे एक एक प्रोग्राम है ना, एक एक प्रोग्राम का टाइम मैं आपको दे दूंगा, दो दो तीन तीन घंटे। ये मैंने आपको दे दिया 1 जून और इसका टाइम 10 बजे तक दे दिया, ठीक है, 5 घंटे हो गए। ठीक हो गया, सबमिशन, एक सबमिशन करवा सकता है हर कोई। अच्छा जी, पासवर्ड नहीं दे रहा, नो पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, डिसेबल एक्सटर्नल फाइल, मैक्सिमाइज फाइल अपलोड मैंने खत्म कर दी। ग्रेड मैंने आपको दे दिया कि आपका 10 पॉइंट्स की ग्रेड है, मैक्सिमम ग्रेड 10 है और पास करने के लिए आपको 7 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, कॉमन मॉड्यूल। ठीक हो गया, ये मैनुअल चेक कर लूँगा मैं, ऑटोमेटिक इसका कोड नहीं बनेगा, ये मैनुअल, क्योंकि हर हर का रेस्टोरेंट अलग अलग बनाएगा, अलग अलग एनिमल बनाएगा, तो उसके लिए सिंपल सेम एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो ये नेक्स्ट टास्क हो गया जो आप आज करें, कल करें, टाइम है आपके पास। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ओके, सो आई थिंक काफी है या और वैल्यूएट के बाद, तो सर वैल्यूएट हम सबमिट कैसे कराएंगे?